हाय एवरीवन, दोस्तों मैं हूं मुश्ताक। मेरा चैनल एसके एयरगन में आपका स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, मैं कुछ दूसरा काम में बिजी था। तो आज जो है एक वीडियो बना रहा हूं, मॉडल लूना। ये मॉडल लूना बहुत कम लोग ही देखे होंगे। ये डॉस कंपनी का है, बहुत पहले ये मॉडल बंद हो चुका है। तो डॉस कंपनी का ये साइड लीवर ब्रिज लोडर है दोस्तों। इसको साइड लीवर ब्रिज लोडर इसलिए कहते हैं, यह यहाँ से लीवर इसका यहाँ से लोड होता है, यूँ खींच के, और ये इसका ब्रिज है, ब्रिज में इसका प्लेट लगता है, तो इसलिए इसको ब्रिज लोडर और साइड लीवर कहा जाता है। ये इसका सेफ्टी लॉक है, इसका लीवर सेफ्टी लॉक, इसका ट्रिगर है। और लुक देखिए कितना शानदार है, एक्यूरेट भी है और पावरफुल है। एक्यूरेसी तो इसका, इससे पहले भी एक मैं वीडियो बनाया था, आज मैं ये क्यू शॉर्ट टारगेट पेपर पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो एक्यूरेसी टेस्टिंग करने की कोशिश करूंगा। मैंने राइफल को जीरो नहीं किया, जिस स्थिति में ये आया है उसी स्थिति में मैं चलाऊँगा। तो इसमें स्कोप रेल लगाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 11 mm का रेल लगा हुआ है, इस पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये इसका लोगो है डॉस कंपनी का। तो ये मॉडल लूना है, लूना एक टाइम बहुत नाम कमाया था इस मॉडल ने। ये अच्छा एक एंटिक ईयर राइफल है, काफ़ी स्टाइलिश इसका कॉकिंग स्टाइल है। ये देखिए क्यों आपको मोड़ना है, ये स्प्रिंग पीछे इसका आ गया, ये इसका ब्रिज खुल गया, ये इसका ब्रिज है, इसका ब्रिज खुल गया, ये इसका प्लेट है, इसको ब्रिज का होल में लगा देना है, क्यू लग गया। अब जब इसको लीवर को उठाओगे, लीवर आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें सेफ्टी लॉक होना बहुत ज़रूरी है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ये इसको पुश करना है, ये सेफ्टी लॉक है, देखिए इसको पुश करना है, पुश हो गया तभी ये लीवर आगे जाएगा। लीवर आगे जाके यहाँ पर बॉल बियरिंग में लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया, अब आप फायर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसका एक्यूरेसी देखते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी एयरगन बाय करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो चालू करते हैं। वॉकिंग सिस्टम इसका बहुत ही स्टाइलिश है, वाओ। मैंने कोई जीरो नहीं किया, जो कंपनी जीरो आया था उसी पर ही चला रहा हूँ, कोई जीरो नहीं किया मैंने, ठीक है। खाली ओनली इसका ग्रुपिंग देखेंगे,
देखते हैं क्या हुआ है। अरे क्या बात है दोस्तों, ये देखिए 1 2 3 4 और एक राउंड 5 लंबा लाइन हो गया और एक यहाँ पे लग गया। ये पहले का था, मैं एक राउंड टेस्टिंग किया था। 1 2 3 4 एक लंबा लाइन और ये ऊपर लग गया। ये मेरा मारने का वजह से हुआ है। चलिए आप यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। एक तो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, मैं और एक बार ट्राई करूँगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा लेफ्ट राइट होता गया पर मैंने गौर नहीं किया। ये किल शॉट हिटिंग पॉइंट दिखता है और 15 मीटर से मैं थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ही ले लिया। और 3-4 राउंड देखेंगे। अब जो है बाकी जो मैंने चलाया सब इसके अंदर ग्रुपिंग बना, यहाँ के अंदर, इसके अंदर, ठीक है ना। एक ये है और बाकी इसके अंदर ही ग्रुपिंग बना। पहले का ये लाइन आपको वीडियो में दिखाई दिया होगा कि किस तरह से किए थे। अभी जो मैंने थोड़ा संभाल के चलाया तो इस जगह पर ही ग्रुपिंग बना है, ये आप देख सकते हो। ये सब एक उंगली में ढक गया, एक उंगली में ढक गया। ये देखिए 1 रुपये 2 रुपये की या 1 रुपये की सिक्का की बराबर ग्रुपिंग आया है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी यारगन बाय करना है डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप कोई भी यारगन बाय कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।